स्टार्ट कर दिया है इंडिया में लाना अपने 8 सीरीज को, मीन्स इससे पहले था 7 सीरीज, आप लोग जानते ही हैं, मोस्ट पॉपुलर हमारा 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आने वाला जो फोन था रेडमी नोट 7 प्रो और साथ ही रेडमी नोट 7 एस, रेडमी नोट 7, नोट 7 के अलावा रेडमी 7 था, रेडमी 7 ए था, वैसे ही अब 8 सीरीज का भी शुरुआत होने वाला है, शुरुआत हो चुका है और Xiaomi ने पहला 8 सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो है रेडमी 8 ए। आगे और भी 8 सीरीज के स्मार्टफोन आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपको रेडमी 8 देखने मिल जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 64 मेगापिक्सल कैमरा वाला रेडमी नोट 8 प्रो और रेडमी नोट 8 भी आ जाएगा जो आएंगे क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेडमी 8 ए के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ देवाशीष और हम स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। बात करें इसके डिजाइन की तो आपको रियर में देखने में मिल जाता है एक ऑरा वेव ग्रिप डिजाइन जो डिजाइन किया गया है बेटर ग्रिपिंग के लिए और ये फिंगर प्रिंट रेजिस्टेंट है और इसमें आपको वाटर स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। ये फोन P2i कोटिंग के साथ आने वाला और इसमें आपको 3.5mm वाला ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा और फ्रंट साइड की बात करें तो आपको मिल जाता है एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले जो एक काफी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अब हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। स्टार्ट करूं इसके परफॉर्मेंस की तो आपको इसमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 439 का प्रोसेसर जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ये रन करता हुआ मिल जाएगा आपको एंड्रॉइड 9 पाई के साथ जो रन करता है इसके कस्टम यूआई के साथ जो है MIUI 10 और जल्दी आप लोगों को MIUI 11 भी देखने मिल जाएगा जब इंडिया में MIUI 11 आ जाएगा अपडेट के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। और ये आता है 2 वेरिएंट्स में जो है 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ और जो सेकंड वेरिएंट है वो आता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ जो एक काफी कमाल का ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और ये आता है ट्रिपल स्लॉट के साथ मीन सा इसमें आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं और इसको आप 512GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक का बटन मिलेगा, जल्दी से उसे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को क्योंकि हम ऐसी ही कमाल के वीडियोज लाते रहते हैं। और अब हम बात करें रेडमी 8 ए के कैमरा की तो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो AI बेस्ड कैमरा है और इसमें आपको पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बात करें रियर की तो आप लोगों को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो आता है सोनी के IMX363 सेंसर के साथ और ये वही सेंसर है जो आप लोगों को पोको F1 में देखने को मिल जाता है और Mi Mix 3 में। मीन्स कितनी कमाल की बात है कि इसमें आप लोगों को ये सेंसर देखने को मिला है जो अंडर 7000 का स्मार्टफोन है उसमें आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड वाला सेंसर देखने को मिलता है। मीन्स आपका कैमरा डिपार्टमेंट काफी कमाल का होने वाला है, भले आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का लेकिन ये काफी ही कमाल के शॉट्स आपको देगा और इसमें आपको AI के थ्रू पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो एक कमाल की बात है। और इसके कैमरा की बारे में आप बात करते जाए तो काफी सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। और अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो बात करूं इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिल जाता है 6.22 इंचेस का एक IPS LCD स्क्रीन जिसका रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 720p का जो ऑब्वियस सी बात है 720p ही आपको मिलेगा इस प्राइस रेंज के में। लेकिन आपको इसमें प्रोटेक्शन मिल जाता है ग्लास प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो एक प्लस पॉइंट है इस फोन का। और अब हम बात करते हैं इसके बैटरी की, तो अगर मैं बात करूं इसके बैटरी की तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है 5000mAh का बैटरी बैकअप जो काफी कमाल की बात है इस प्राइस रेंज में और आपको इसमें 10 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है और ये फोन भी खुद 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, भले आपको इन द बॉक्स 10 वोल्ट का फास्ट चार्जर ही मिलता है लेकिन ये भी एक प्लस पॉइंट है अगर आप अलग से लेते हैं 18 वोल्ट का तो ये काफी तेजी से चार्ज भी कर देगा। और इसका 720p रिजोल्यूशन होने के कारण ये आपको आराम से पूरा एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा, 1 से 1.5 दिन का। और
आप इसमें गेमिंग तो ज्यादा कर नहीं सकते, पबजी तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। हाँ पबजी लाइट आप लोगों के लिए चल जाएगा, और कुछ छोटे मोटे गेम्स सबवे सर्फर या कैंडी क्रश भी आप खेल पाएंगे इस फोन में। और अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो बात करूं इसके प्राइसिंग की, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये आता है दो वेरिएंट में। जो पहला वेरिएंट है वो है 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ, तो उसकी प्राइसिंग आप लोगों को मिल जाती है 6499 की, मीन्स ये 6500 का फोन बन जाता है। और जो सेकेंड वेरियंट है वो आता है 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ, और वो आप लोगों को मिल जाता है 6999 का, जो एक बेटर ऑप्शन है। आप लोगों को इसमें 3GB RAM का भी ऑप्शन मिल जाता है, और आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो आप इसी वेरिएंट के लिए जाइए। और अब आ जाते हैं इसके तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन में, और जो क्वेश्चन आता है वो है ये कि क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरा सिर्फ एक आंसर होगा, वो है यस, क्योंकि जो इसके स्पेसिफिकेशंस आते हैं, इसका कैमरा सेंसर है, प्रोसेसर भले ही ओके है, लेकिन इसके कैमरा सेंसर और बाकी सारी चीजों को देखे तो ये काफी अच्छा फोन निकल कर आता है। और इसकी अगर कंपटीशन की भी अगर आप बात करें, जैसे कि रियलमी C2 आपका ये सैमसंग M10, तो ये दोनों को ये पछाड़ देता है, बल्कि ये उन दोनों के प्राइस रेंज से भी कम में आता है, तो ये काफी अच्छी बात है। और ये फोन अपने प्राइस रेंज में काफी ये अच्छा है, और देखते हैं कि इसको कितना सक्सेस मिलता है Xiaomi की ओर से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और कर लीजिए हमारे चैनल DB कंपनी को सब्सक्राइब, काफी खुशी मिलती है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।